फिरोजाबाद का काला सच, प्यार का वादा बन गया मौत का फंदा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सात फेरे लेकर एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वादा करने वाले पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसी क्रूरता की है कि उसका जिक्र करते हुए रूह कांप उठती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम असलम रहमान है और आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। 28 साल की रेशमा की शादी 10 साल पहले सुरजीत से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अनबन की खबरें आती रहती थीं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह अनबन इतनी बढ़ जाएगी कि सुरजीत अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देगा। हाल ही में सुरजीत ने नशे की हालत में अपनी पत्नी रेशमा को बंधक बना लिया और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसने रेशमा को रस्सियों से बांधकर डंडों से पीटा। इतना ही नहीं, उसने रेशमा के प्राइवेट पार्ट में एक बेलन डाल दिया। इस क्रूरता के चलते रेशमा की मौत हो गई। जब पुलिस ने रेशमा का पोस्टमार्टम करवाया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। रेशमा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और उसके पेट से एक बेलन निकला। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस ने इस मामले में सुरजीत को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह दिखाती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कितनी गहराई तक रची बसी है। हमें इस समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए हमें कानून को और मजबूत बनाना होगा और जागरूकता फैलाना होगा। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि प्यार और शादी का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना भी होता है। हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करने होंगे और हिंसा को बर्दाश्त नहीं करना होगा। रेशमा की मौत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हमें उसकी याद में यह संकल्प लेना होगा कि हम महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।